हेलो गाइस वेलकम टू जेके स्टडी सर्कल आप जानते हैं कि हमने इस चैनल पे अपनी इकोनॉमिक्स की लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर दी और आज हमारा इकोनॉमिक्स का सेकंड लेक्चर है जो कि है डिमांड एनालिसिस हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स जिसमें हमने माइक्रो माइक्रो इकनॉमिक्स पढ़ा था और उसमें और साथ साथ हमने पढ़ा था सेंट्रल प्लान इकनॉमिक क्या होती है मिक्सड इकनॉमिक्स क्या होती है और माइक्रो सॉरी मार्केट इकनॉमिक्स क्या होती है और आज हम पढ़ेंगे डिमांड एनालिसिस ज़्यादा टाइम ना ज़ाया करते हुए आइए हम अपना नया टॉपिक शुरू करते हैं डिमांड एनालिसिस सबसे पहले थ्योरी ऑफ डिमांड इसमें आता है इस थ्योरी ऑफ डिमांड में कहते हैं डिमांड फॉर अमिटी इज़ क्वांटिटी विच अ कंज्यूमर इज़ विलिंग टू बाई एट अ पर्टिकुलर प्राइस एट अ पर्टिकुलर टाइम डिमांड कमोडिटी की क्या होती है डिमांड फॉर अ वो होती है कि एक आदमी जो मतलब जितना वो क्वांटिटी चाहता है उतना क्वांटिटी वो विलिंग uh, हो लेने के लिए एट पर्टिकुलर प्राइस और पर्टिकुलर टाइम पे उसको हम बोलते हैं डिमांड ठीक है अब नेक्स्ट हम देखते हैं इन अदर वर्ड डिमांड फॉर अ कॉम्यूडिटी रेफर टू डिज़ायर टू बाई अ कॉम्योडिटी बैकड विद सफिशेंट परचेजिंग पावर एंड विलिंगनेस टू स्पेंड हम डिमांड को हम इस तरीके से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि डिमांड कमोडिटी वो होती है कि जो आदमी के पास सफिशेंट हो परचेजिंग पावर मतलब किसी चीज़ को लेने की पावर उसके पास हो और वो विलिंग हो उस पर ख़र्चने के लिए तो उसको हम डिमांड कहते हैं अगर आपके पास फॉर एग्जांपल अगर आपके पास पैसे हैं आप उस पर किसी चीज़ पर ख़र्चना नहीं चाहते तो उसको हम डिमांड नहीं कहेंगे ठीक है नेक्स्ट डिमांड एंड क्वान्टिटी डिमांड ऑफ अ कम्योडिटी डिमांड और कम्योडिटी क्वान्टिटी डिमांडिड ऑफ अ कम्योडिटी क्या होता है इट मे बी नोटिड दैट इन इकनोमिक्स आर डिस्टिक्शन इज मेड बिटवीन क्वान्टिटी डिमांडिड एंड डिमांड अब ये डिमांड और क्वान्टिटी डिमांडिड यह भी एक इसमें भी डिस्टिक्शन है वह हम आगे नेक्स्ट पढ़ते हैं क्या होती है डिस्टिक्शन में क्वान्टिटी डिमांडिड रेफर टू पर्टिकुलर क्वांटिटी और अमाउंट विच दी बायर आर विलिंग एंड एबल टू बाय एट अ गिवन प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन टाइम क्वांटिटी डिमांडेड क्या कहती है क्वांटिटी डिमांडेड कहती है कि एक पर्टिकुलर क्वांटिटी जो कि कंज्यूमर बाय करना चाहता है और तो मतलब विलिंग है उसको बाय करने के लिए एट अ गिवन प्राइस और गिवन टाइम पर उसको बिलिंग विलिंग है उसको बाई करने के लिए उसको बोलते हैं हम क्वान्टिटी डिमांडिड अदर थिंग रिमेन कॉन्स्टेंट मतलब अदर थिंग रिमेन बाकी चीज़ें रिमेन कॉन्सटेंट रेंज चाहिए वो हम अदर थिंग्स जो कौन सी कॉन्सटेंट रेंज चाहिए वो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे जब वो आएगा मैं आपको बताऊंगा ठीक है फॉर एग्जांपल ले लो अगर इफ़ द प्राइस ऑफ शुगर इज आर एस थर्टी पर के जी है तो कंज्यूमर बाय करना चाहता है पाँच किलो चीनी क्वान्टिटी डिमांडेड उसकी क्या है फाइव के जी ही है और ऐट अ प्राइस आर एस थर्टी रुपीज़ पर के जी ठीक है वो फाइव के जी बाय करना चाहता है तो क्वांटिटी डिमांडेड ही फाइव के जी है एट अ पर्टिकुलर प्राइस और थर्टी रुपये पर के जी मतलब वो इतना ही वो ले सकता है उसकी विल परचेजिंग पावर इतनी है दैट इज़ द क्वांटिटी डिमांडेड अब डिमांड क्या होता है डिमांड रेफर टू क्वांटिटी विच द बायर्स विलिंग एंड रेडी टू बाय एट अ डिफरेंट पॉसिबल प्राइसिज अदर थिंग बींग कॉन्स्टेंट डिमांड ऑफ क्वांटिटी डिमांड ऑफ क्वांटिटी क्या होती है डिमांड रेफर करती है क्वांटिटी जो कि बायर विलिंग होता है उसको और विलिंग और रेडी होता है उसको ख़रीदने के लिए डिफरेंट पॉसिबल प्राइज उसको प्राइस से कुछ लेना देना नहीं होता वो विलिंग होता है कि जिस मर्जी प्राइस पे मिले वो ले लेगा अदर थिंग्स मैन कांस्टेंट वो हम पढ़ेंगे अदर थिंग्स कौन सी कांस्टेंट रहनी चाहिए दस डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ़ बायर्स एट ईच पॉसिबल प्राइस ये हमें डिस्क्राइब करता है बायर्स का बिहेवियर एट अ डिफरेंट एट अ ईच पॉसिबल प्राइस इट रेफर टू डिमांड शेड्यूल इसको हम डिमांड शेड्यूल भी कह सकते हैं अब वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड्स क्या होती है जैसे डिटर्मिनेंट जो मैंने बोला था अदर थिंग रिमेन कॉन्सटेंट अदर थिंग्स कौन सी थी वो ये वाली थी सिक्स थिंग प्राइस ऑफ अ कॉमोडिटी इनकम ऑफ़ द कंज्यूमर इस पर भी डिमांड डिपेंड करेगी प्राइस रिलेटेड प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस एंड पॉपुलेशन इस पर भी हमारी डिमांड डिपेंड करती है अब फॉर एग्ज़ाम्पल पहले हम ले लेते हैं प्राइज़ ऑफ कॉमोडिटी ये क्या होता है इसका इन्वर्स रिलेशनशिप होता है प्राइस ऑफ कॉमोडिटी का डिमांड के साथ अगर डिमांड इंक्रीज इंक्रीज़ करेगी अगर प्राइस इंक्रीज़ करेगा तो डिमांड डिक्रीज़ करेगी अगर प्राइस डिक्रीज़ करेगा तो डिमांड इंक्रीज़ करेगी इट मै इट मीन्स वेन द राइज ऑफ़ प्राइज़ ऑफ कमोडिटी डिमांड ऑफ दैट कमोडिटी फॉल्स एंड वाइस वर्सा यह मैंने अब को ग्राफ से समझाता हूँ देखो अगर प्राइस इंक्रीज़ किया तो डिमांड डिक्रीज़ की अगर प्राइस डिक्रीज़ किया तो डिमांड इंक्रीज़ की फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक कॉमोडिटी का प्राइस फिफ्टी रुपीज़ है तो फाइव कमोडिटीज़ का प्राइस अगर प्राइस वन रुपीज़ था तो डिमांड थी फिफ्टी कॉम्योडिटी की अगर प्राइस फ़ाइव रुपीज़ है तो अब डिमांड है टेन कम्योडिटीज़ की ये देखो पहले ओरिजिनल प्राइस ये था अगर प्राइस घट गया तो डिमांड यहाँ बढ़ गई जो देखो अगर प्राइस घटा तो डिमांड हमारी बढ़ गई ठीक है तो अगर प्राइस बढ़ा तो क्वांटिटी हमारी मतलब डिमांड हमारी डिक्रीज हो गई अब प्राइस ऑफ़ रिलेटेड गुड्स ठीक है प्राइस ऑफ़ रिलेटेड गुड्स मीन इट 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 मे बी ऑफ टू टाइप एक होते हैं सब्सिट्यूट गुड और कंप्लीमेंट्री गुड अब सब्सिट्यूट गुड्स क्या होते हैं गुड्स विच कैन बी यूज इन प्लेस ऑफ एन अदर गुड वो गुड जो दूसरी गुड की जगह यूज़ किए जा सकते हैं एंड गिव दी सेम सेटिस्फेक्शन ऑफ ए कंज्यूमर और वो कंज्यूमर को सेम तो सेटिस्फेक्शन देते हैं जो कि पहला गुड उनको देता था देर वुड ऑलवेज एग्जिस्ट आ डेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ सब्सिट्यूट गुड डिमांड फॉर आ गिवन क्वांटिटी मतलब इसका जो होता है सब्सिट्यूट गुड का डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है उस क्वान्टिटी के साथ जिसका वो सब्सिट्यूट है अगर फॉर एग्जाम्पल अगर उस प्रोडक्ट की उसका प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज़ हो गया तो तब डिमांड हमारी शिफ्ट हो जाएगी सब्सिट्यूट गुड पे अगर उसका प्राइस कम है तो अगर सब्सिट्यूट गुड का प्राइस इंक्रीज़ कर गया तो फिर दोबारा डिमांड उसी पे आ जाएगी जो पुराना वाला गुड होगा वही हम देखते हैं इट मींस विद एन इंक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्सिट्यूट गुड सब्सिट्यूट गुड कौन सा मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल आप पेप्सी और कोक ले लो पेप्सी और कोक ठीक है अगर आप पहले पेप्सी पीते थे तो उसकी प्राइस इंक्रीज़ हो गया तो आपने शिफ्ट कर लिया कोक पे अब अब, अब, अब इसका सब्सिट्यूट क्या है कोक अब फॉर एग्जांपल अगर इंक्रीज़ होता है इसी कोक जो आपका सब्सिट्यूट गुड है तो डिमांड ऑफ अ गिवन कमोडिटी कौ, कौ, आल्सो राइज एंड वाइज से एंड वाइज से वर्षा ठीक है डिमांड क्या होगा डिमांड जो कमोडिटी कौ, है वो वो भी राइज होगी ठीक है अब देखो सब्सिट्यूट गुड का प्राइस इंक्रीज़ हो गया सब्सिट्यूट गुड को क्या था आपका सब्सिट्यूट गुड गुड आपका कोक ठीक है अगर कोक का प्राइस इंक्रीज हो गया तो इसकी डिमांड भी इंक्रीज होगी पेप्सी की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि इसका प्राइस इंक्रीज़ हो गया तो इसकी डिमांड इंक्रीज हो जाएगी अगर इसकी इसका प्राइस इंक्रीज़ हो गया पेप्सी का प्राइस इंक्रीज़ हो गया तो डिमांड कोक की ज़्यादा हो जाएगी वही बोला हुआ है अगर सब्सिट्यूट गुड का प्राइस इंक्रीज हो गया ये सब्सिट्यूट गुड का प्राइस इंक्रीज हो गया तो दूसरे गुड की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी अगर सब्सिट्यूट सब्सिट्यूट गुड्स का प्राइस डिक्रीज हो गया तो डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट डिक्रीज़ हो जाएगी ठीक है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूजलेस इन सेंस ऑफ एन अदर गुड्स कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो होते हैं जो यूजलेस होते हैं जो उसके साथ दूसरा गुड होता है उसके बिना ठीक है विच आर डिमांड जॉइंटली इनकी डिमांड जॉइंटली ठीक है देर वुड ऑलवेज एग्जिस्ट इन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स एंड डिमांड ऑफ अ गिवन कॉम इनमें जो होता है ना कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में इनवर्स रिलेशनशिप होता है अगर एक अगर एक की डिमांड डिक्रीज होगी तो दूसरी की भी डिमांड डिक्रीज़ हो जाएगी ठीक है अगर एक के प्राइस इंक्रीज़ होगी तो उसका भी प्राइस इंक्रीज़ हो जाएंगे इट मीन्स विद द राइज ऑफ़ प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स द डिमांड ऑफ अ गिवन कॉन्टिटी फॉल्स मतलब अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस इंक्रीज़ हो गया तो उसकी डिमांड डिक्रीज़ हो जाएगी एंड वाइस वर्सा अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड का प्राइस डिक्रीज हो गया तो डिमांड इंक्रीज हो जाएगी फॉर एक्जाम्पल पेन एंड रिफल्स अब देखिए अगर पेन का प्राइस इंक्रीज हो गया ठीक तो uh, तो है तो इसकी डिमांड डिक्रीज हो जाएगी ठीक है रिफल, अब पेन और रिफ़ल ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड मतलब पेन रिफ़ल के बिना थोड़ी चलेगा इसके साथ चलेगा वैसे ही कार एंड पेट्रोल हो गया कार पेट्रोल के बिना नहीं चलेगी ठीक है अगर इसकी प्राइस इंक्रीज़ हो गया तो मतलब ऑटोमेटिकली रिफ़ल का प्राइस भी इंक्रीज़ हो होगा अगर कार का प्राइस इंक्रीज हो गया तो पेट्रोल का प्राइस भी इंक्रीज़ हो जाएगा अगर इनकी डिमांड डिक्रीज हो जाएगी ठीक है ये वही लिखा होगा अगर डिमांड अगर प्राइस इन, इंक्रीज हो हो गया तो डिमांड डिक्रीज़ हो जाएगी अगर प्राइस डिक्रीज हो गया तो डिमांड इंक्रीज हो जाएगी इस इनमें क्या होता है इन्वर्स रिलेशन होता है और सब्सिट्यूट गुड में डायरेक्ट रिलेशन होता है डायरेक्ट रिलेशन मतलब अगर सब्सिट्यूट गुड का प्राइस इंक्रीज़ हो गया तो दूसरे गुड की डिमांड इंक्रीज़ हो जाएगी अगर सब्सिट्यूड गुड का प्राइस डिक्रीज़ हो गया तो दूसरे प्रोडक्ट की हमारी डिमांड डिक्रीज़ हो जाएगी ठीक है अब थर्ड पार्ट हो गया हमारा इनकम ऑफ अ कंज्यूमर द अमाउंट द अमाउंट डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी आल्सो डिपेंड अपॉन द इनकम ऑफ कंज्यूमर मतलब कमोडिटी uh, की अमाउंट डिपेंड करती है इनकम ऑफ कंज्यूमर अगर इनकम कंज्यूमर uh, की हाई हो जाएगी तो डिमांड ऑटोमेटिकली हाई हो जाएगी अगर इनकम डिक्रीज होगी कंज्यूमर की तो डिमांड ऑटोमेटिकली डिक्रीज़ हो जाएगी ठीक है तो फिर उसके बाद द इफ़ेक्ट ऑफ इनकम ऑन क्वानटिटी डिमांड ही डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ़ द गुड्स अब अगर इनकम इंक्रीज होती है तो डिमांड भी डिपेंड करती है नेचर ऑफ गुड्स किस टाइप के गुड्स उस, हैं उसके अकॉर्डिंग डिमांड हमारी डिपेंड करती है आर थ्री टाइप ऑफ गुड होते हैं नॉर्मल गुड होते हैं इन्फीरियर गुड होते हैं नेसेसिटी गुड होते हैं सबसे पहले देखते हैं नॉर्मल गुड क्या होते हैं फॉर नॉर्मल गुड विद द राइज ऑफ इनकम द डिमांड ऑफ द कम्यूडिटी ऑल्सो राइजेस एंड वाइस वर्सा अगर नॉर्मल गुड के केस में क्या होता है अगर uh, हमारी इनकम इंक्रीज हो रही है तो हमारी डिमांड भी इंक्रीज़ हो जाएगी अगर हमारी इनकम डिक्रीज़ हो रही है तो डिमांड भी डिक्रीज़ हो जाएगी शायद इनका डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है इनकम ऑफ कंज्यूमर का और डिमांड ऑफ नॉर्मल कम्यूनिटी का ठीक है फिर हम अब नेक्स्ट देखते हैं इन्फीरियर गुड्स इन्फीरियर गुड्स का मतलब ये नहीं होता कि वो घटिया गुड है मतलब वो किसी काम के नहीं है इन्फीरियर गुड्स का फॉर एग्जांपल ले लो अगर आपके पास फॉर एग्जांपल इस वक्त नोकिया का आ, पहले आप नोकिया का फ़ोन यूज़ करते थे और उससे मूव कर लिया आपने सैमसंग फ़ोन पे अब नोकिया का फ़ोन आपके लिए इन्फीरियर है ठीक है तो आ, इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो इन्फीरियर मतलब ख़राब फ़ोन था आपने छोड़ दिया मतलब आपके इनकम इनक्रीज़ होगी तो मतलब आपकी अब आप, आपने शिफ्ट कर लिया नेक्स्ट वाले फ़ोन पे सैमसंग पे शिफ्ट कर लिया या जिसके पास सैमसंग था वो एप्पल पे शिफ्ट हो गया दैट इज़ उसके लिए सैमसंग इन्फीरियर गुड हो गया Inferior good. With the rise in income, the demand of the community falls and vice versa. Yeah. शॉर्टली इनवर्स रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन इनकम ऑफ अ कंज्यूमर एंड डिमांड ऑफ इन्फीरियर गुड इनमें इनवर्स रिलेशनशिप होता है अगर आपकी इनकम इंक्रीज़ हो रही है तो अगर आपकी इनकम इनका आपस में इनकम ऑफ कंज्यूमर और डिमांड ऑफ इन्फीरियर गुड का इनवर्स रिलेशनशिप होता है अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका डिमांड इंक्रीज हो रही है तो अगर आपकी इनकम इंक्रीज हो रही है तो आपकी डिमांड मतलब आपका इस पे डिमांड डिक्रीज़ हो जाएगी इंफीरियर गुड्स की अगर इनकम डिक्रीज़ हो रही है तो इनकम डिक्रीज़ हो रही है डिमांड तो इंक्रीज़ हो जाएगी तो इसका आप ग्राफ के थ्रू समझ सकते हैं ये आपके नॉर्मल गुड्स का ग्राफ है अगर डिमांड इंक्रीज हुई प्राइस इंक्रीज़ हुआ तो डिमांड इंक्रीज होगी प्राइस डिक्रीज हुआ तो डिमांड डिक्रीज होगी सॉरी इनकम इंक्रीज हुई तो डिमांड इंक्रीज हो जाएगी इनकम तो yeah, डिक्रीज हुई तो डिमांड डिक्रीज हो जाएगी और इंफीरियर गुड के केस में इनकम डिक्रीज हुई तो डिमांड इंक्रीज हो जाएगी और इनकम इंक्रीज हुई तो डिमांड डिक्रीज हो जाएगी अब नेसेसिटी गुड फॉर नेसेसिटी गुड वेदर इनकम इंक्रीज और डिक्रीजेज क्वान्टिटी डिमांडेड रिमेन कॉन्स्टेंट इसमें चाहे आपकी जैसे नेसेसटी गुड हो गया सॉल्ट जो हमारा रेगुलर यूज करते हैं जैसे मिल्क हो गया इस इस इस, इस पे डिमांड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर प्राइस इंक्रीज होंगे तो डिमांड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा या इनकम इंक्रीज होगी तो डिमांड पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ठीक है अब टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ गुड टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस एंड हैबिट ऑफ अस्ट कस्टमर आल्सो इन्फ्लुएंस इट्स डिमांड फॉर अ कमोडिटी टेस्ट और प्रेफरेंस आदमी का भी डिमांड इस पर भी डिपेंड करती है अ गुड फॉर विच कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ग्रेटर इट डिमांड वुड बी लार्ज एंड इट्स डिमांड का विल बी लाई एट हायर लेवल अगर फॉर एग्जाम्पल अगर आप Uh, पहले मतलब ब्लैक ब्लैक एंड वाइट टी ये एग्जाम्पल दी हुई ब्लैक एंड वाइट टी वी सेट गोज़ आउट ऑफ फैशन इस डिमांड विल फॉल ठीक है अब जैसे ही उसका फैशन चला गया ब्लैक एंड वाइट टी वी का कलर का फैशन आ गया तो ब्लैक एंड वाइट टी वी की डिमांड कम हो गई ठीक है सिमिलरली अस्टूडेंट में डिमांड मोर ऑफ बुक्स एंड पेन्स दैन यूटेंसिल्स ऑफ दैट देन यूटेंसिल्स ऑफ हिज प्रेफरेंस एंड टेस्ट ठीक है मतलब इसका कहने का मतलब यही है कि डिमांड डिपेंड करती है आपके टेस्ट एंड प्रेफरेंस पे अगर आपका आपका टेस्ट एंड प्रेफरेंस ब्लैक एंड वाइट टीवी से शिफ्ट हो गया आप, कलर टीवी पे तो कलर टीवी की डिमांड बढ़ जाएगी जिस चीज़ को आप लाइक करते हो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी फॉर एग्जाम्पल इसका कहने का मतलब यही है ठीक है प्रेफ्रेंसिस फेवरेबल प्रेफरेंसेस ठीक है फॉर एग्जांपल पहले आपकी ये यहाँ पे थी कर्व तो अब यहाँ पे होगी शिफ्ट होगी राइट वर्ट डिमांड बढ़ गई तो फॉर एग्जांपल आपका आ, प, प, प्रेफरेंस अनफेवरेबल है तो डिमांड दिक, डिक्रीज़ हो जाएगी ठीक है अब नेक्स्ट देखते हैं फ्यूचर एक्सपेक्टेशन डिमांड ऑफ अ अकोडिटी इज़ आल्सो इफेक्टेड बाय एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंजेस इन प्राइस इन फ्यूचर इफ Uh, if people at large expect prices of commodity under consideration they may buy more of it इन द प्रजेंट टाइम देखो फ्यूचर एक्सपेक्टेशन पे भी डिपेंड करता है डिमांड का फॉर एग्जांपल अब जैसे आदमी कुछ सोचते हैं कि अभी आगे जाके कुछ चीज़ें बहुत महंगी होने वाली हैं तो वो अभी उसको ख़रीद लेते हैं तो या वो क्या कहते हैं कि मतलब सोचते हैं कि आगे और सस्ता होगा तो वो बाद में ख़रीदेंगे तो ठीक है इस फ्यूचर एक्सपेक्टेशन पे भी डिपेंड करता है फॉर एग्जांपल आप ले लो अभी जैसे गोल्ड गोल्ड के प्राइस अभी डिक्रीज़ हो रहे हैं अभी लोग नहीं उसको ख़रीदना चाहते जब जैसे ही जा, फिर जब मतलब उनको लगेगा कि अभी सही टाइम है ख़रीदने का तो तब वो उस टाइम पे ख़रीद लेंगे या फिर जैसे कि अभी जैसे अब फॉर एग्ज़ाम्पल गोल्ड अभी गोल्ड के प्राइस बढ़ जाएँ तो लोगों को लगे कि अभी हमें गोल्ड नहीं खरीदना चाहिए आगे जाके ये कम होंगे तो तब हम खरीदेंगे तो फ्यूचर एक्सपेक्टेशन पे भी डिमांड डिपेंड करती है पॉपुलेशन द डिमांड ऑफ आल्सो चेंजेस वेयर देयर इज अ चेंज इन साइज एंड कम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन डिमांड पॉपुलेशन पे भी डिपेंड करती है ठीक है इंक्रीज इन द साइज ऑफ पॉपुलेशन विल लीड इंक्रीज इन डिमांड अगर पॉपुलेशन का साइज़ इंक्रीज करेगा तो डिमांड भी इंक्रीज करेगी इफ़ द प्रोपोर्शन ऑफ चिल्ड्रन इन द पॉपुलेशन इंक्रीज अगर चिल्ड्रन uh, की रेशियो ज़्यादा है पॉपुलेशन में तो डिमांड फॉर टॉयज बेबी फूड्स एट्सट्रा विल इंक्रीज इन इनकी डिमांड इंक्रीज़ हो जाएगी अब डिमांड फंक्शन क्या होता है द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड ऑफ अ अम्योडिटी एंड वेरियस डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड ये रिलेशनशिप फंक्शनल रिलेशनशिप होता है डिमांड ऑफ कॉम्यडिटी और जो वेरियस डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड जो हमने पीछे पढ़े डिमांड ऑफ़ जैसे ये हो गया कौन कौन से हो गए डिमांड ऑफ कम्यूडिटी फॉर कम्युडिटी प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड टेस्ट एंड प्रेफरेंसिस प्राइस ऑफ गिवन कम्युडिटी इनकम ऑफ द कंज्यूमर फिर मिसलिनियस ठीक है ये हो गया आपके इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन और मार्केट डिमांड फंक्शन में सिर्फ दो चीज़ें बढ़ जाएंगी ये पॉपुलेशन साइज एंड कंपोजिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ़ इनकम में क्या होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम में होता है मार्केट डिमांड आल्सो इनफ्लेंस ब चेंज इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इन दिस सोसाइटी मार्केट डिमांड इस चेंज इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इन सोसाइटी इस पे भी इन्फ्लुएंस करती है इफ अगर इनकम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है तो वहाँ पे डिमांड लेस होगी अगर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो वहाँ पे डिमांड हाई होगी और डिमांड्स स्केड्यूल क्या होता है डिमांड स्केड्यूल रेफर टू अ टेबल और अ स्केड्यूल विच शोज अदर थिंग रिमेनिंग कॉन्स्टेंट द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वान्टिटी डिमांडेड ऑफ ए कम्योडिटी एट डिफरेंट प्राइस इसमें यह रिलेशनशिप होता है किसका प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए कम्योडिटी एट डिफरेंट प्राइसेस मतलब प्राइस और क्वांटिटी का इसमें हम चार्ट में हम शो करते हैं तो ये बाकी अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट रेंज चाहिए कौन कौन सी वही डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड अब देखो डिमांड स्कड्यूल में ये टू टाइप के होते हैं एक होता है इंडिविजुअल डिमांड केड्यूल और एक होता है मार्केट डिमांड कड्यूल इंडिविजुअल डिमांड कैड्यूल क्या कहता है रेफर टू अ टेबल डट शो वेरियस क्वांटिटी ऑफ डिमांड डेट अ कंज्यूमर इज विलिंग टू परचेज एट डिफरेंट ड्यूरिंग ड्यूरंग गिवन पॉइंट ऑफ टाइम इंडिविजुअल क्या कहता है कि एक इंडिविजुअल वेरियस क्वान्टिटी ऑफ कमोडिटी डैट कंज्यूमर मतलब कितनी क्वानिटी कौन्टि, क्वान्टिटी एक टाइम पे कंज्यूमर के पास कितनी परचेजिंग पावर है कि वो एक टाइम पे वो एक प्राइस पे कितनी क्वान्टिटी ले सकता है तो ये चार्ट हमें शो करता है इसको कहते हैं हम इंडिविजुअल डिमांड स्कैड्यूल इसमें हम देखते हैं क्या होता है ये चार्ट हमको बताता हूँ आपको जैसे प्राइस था दस रुपये तो क्वांटिटी डिमांडेड थी कम कॉम्डिटी की पचास जैसे प्राइस बढ़ गया फॉर एग्जांपल पचास रुपये तो अब क्वांटिटी डिमांडेड कितनी होगी गई टेन रुपीज़ ठीक है अब मार्केट में क्या होता है मार्केट में होता है मार्केट डिमांड स्कड्यूल इज अ टेबलर स्टेटमेंट शोइंग वेरियस क्वान्टिटीज़ ऑफ अ कॉमोडिटी दैट ऑल द कंज्यूमर आर विलिंग टू बाई वहाँ पर एक इंडिविजुअल की बात की जाती थी यहाँ पर टोटल कंज्यूमर की बात की जाएगी कि वो कितना विलिंग है एक प्रोडक्ट को खरीदने पे एट अ पर्टिकुलर प्राइस और पर्टिकुलर टाइम पे तो इसको हम किस तरीके से शो करते हैं जैसे मार्केट डिमांड जैसे हम मान लेते हैं दो हमारे पास हाउस होल्ड हैं जैसे डी ए हो गया डी बी हो गया तो इसको डिमांड मार्केट डिमांड तो, इनका दोनों का टोटल होता है ठीक है यही चार्ट में आपको दिखाता हूँ जैसे दस प्राइस टेन रुपीज़ है तो हाउस होल्ड ए पचास ले लेता है और हाउस होल्ड बी सिक्सटी ले लेता है और मार्केट डिमांड टोटल कितनी होगी पचास और साठ एक सौ दस टोटल इन दोनों का टोटल हो गया दस रुपये पे एक सौ दस आइटम वो डिमो खरीद सकते हैं अब अगर प्र, प्राइस बढ़ गया फिफ्टी हो गया तो ये टेन खरीद सकता है ये ट्वेंटी और टोटल कितना हो गया थर्टी ये फिफ्टी रुपीज़ के प्राइस पे थर्टी का ही प्रोडक्ट खरीद सकते हैं ठीक है और डिमांड कर्व क्या होता है ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है डिमांड शेड्यूल का गिव एज अ डिमांड कर इसको हम डिमांड कर बोलते हैं लाइक डिमांड स्कीड्यूल डिमांड कर आल्सो टू टाइप ये भी दो टाइप की होती है कि इंडिविजुअल डिमांड कर होती है और मार्केट डिमांड कर होती है ठीक है इंडिविजुअल डिमांड कर क्या कहते हैं ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इंडिविजुअल डिमांड स्कैडल को रिप्रजेंट करती है और ये मार्केट डिमांड स्कैडल को कर्व रिप्रजेंट करती है ठीक है अब जैसे डिमांड करो वो वही एग्जांपल हम लेते हैं मतलब डिमांड फॉर अगर प्राइस फिफ्टी है तो वो एक आइटम खरीद सकता है और अगर प्राइस टेन है तो वो फाइव आइटम खरीद सकता है और ये देखो इसका स्लोप कैसा डाउनवर्ड इंडिविजुअल डिमांड करो इसका स्लोप हो गया डाउनवर्ड ठीक है अब जैसे ये, ये ये देखते हैं अब अब जैसे मार्केट डिमांड कर हमने वो पीछे पड़े दो होस अगर अगर फिफ्टी रुपीज़ प्राइस है तो वो वन आइटम खरीद सकता है होस डे अगर फोर्टी है तो टू खरीद सकता है ऐसे ही बी के लिए फिफ्टी है तो टू खरीद सकता है फोर्टी है तो थ्री खरीद सकता है और उसके बाद ये टोटल टोटल हो गया फोटी पे है वो टोटल तीन खरीद सकते हैं और फिफ्टी पे तीन खरीद सकते हैं जैसे ये फिफ्टी पे टू प्लस ये फिफ्टी पे वन खरीद रहा था अब ये फोर्टी पे फोर खरीद सकते हैं जैसे ये फोर्टी पे खरीद रहा था कितना थ्री और ये फोर्टी पे खरीद रहा था टू ठीक है ये इन दोनों का इन दोनों का टोटल ये होता है अब लॉफ डिमांड लव डिमांड पढ़ते हैं द लव डिमांड एक्सप्रेस द रिलेशनशिप बिटवीन क्वान्टिटी डिमांडेड एंड इट प्राइस लव डिमांड करता है कि Uh, uh, कितनी क्वांटिटी खरीद सकता है uh, uh, कितनी क्वांटिटी डिमांड होती है और, uh, वो उसके प्राइस पे डिपेंड करती है इट मे बी डिफाइन एज मार्शल वर्ड इसको इस लाफ डिमांड को मार्शल ने दिया था द अमाउंट डिमांडेड इंक्रीजेज विद फॉल इन अगर प्राइस डिक्रीज करेगा तो डिमांड इंक्रीज करेगी एंड डिमनिशिश विद राइज इन प्राइज अगर प्राइस इंक्रीज करेगा तो डिमांड डिक्रीज करेगी दिस इट एक्सपे प्लस इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट ये इनवर्स रिलेशन शो करता है प्राइस और डिमांड का इसके मतलब अदर थिंग कांस्टेंट रिमेन कांस्टेंट रेंज चाहिए जो के हैं डिटर्मिनेट्स ऑफ डिमांड ठीक है डिमांड स्कड्यूल देखते हैं हम वही जैसे फाइव फा, के प्राइस पर हंड्रेड यूनिट परचेज कर सकता था और वन के प्राइस पे सिक्स हंड्रेड यूनिट परचेज कर सकता था ठीक है अब देख लो <coughs> प्राइस डिक्रीज हुए तो डिमांड इंक्रीज हो गई यहाँ पे प्राइस इंक्रीज हुआ तो डिमांड डिक्रीज हो गई वो हमने इस ग्राफ में भी शो किया हुआ अब लाव डिमांड डज नॉट होल्ड इन फॉलोइंग गुड्स लॉ डिमांड इन इनको फॉलो नहीं करता जैसे बेबीलन गुड हो गए इन्हीं को हम स्टेटस सिंपल गुड कहते हैं जो हम मतलब आदमी खरीदता है अपने स्टेटस को दिखाने के लिए जैसे गोल्ड हो गया ज्वेलरी हो गया जैसे परफ्यूम्स होंगे ठीक है कॉस्टली कारपेट्स हो गए जो मतलब हम दूसरों को दिखावे के लिए हम कहते हैं हमारा स्टेटस उनको दिखे कि हम कितने अमीर हैं वो चीज़ होते हैं स्टेटस सिंबल गुड और उनको वेबिलन गुड भी बोलते हैं ठीक है वेबिलन वाज द फर्स्ट टू डिस्कस द एक्सेप्शन समटाइम अ कम्यूनिटी में बी डिमांडेड ठीक है बिकॉज ऑफ इट्स बींग स्टेटस सिम्बल गुड लाइक ज्वेलरी जैसे मैंने आपको बताया ये हमारे स्टेटस सिम्बल गुड होते हैं इन, इन, इन ये हम जो है ये फॉलो नहीं करते लॉ ऑफ डिमांड को ठीक है अब नेक्स्ट हो गए गिफन गुड्स गिफन गुड्स कौन से होते हैं अ गिफन गुड्स नेम आफ्टर सर रॉबर्ट गिफन इसके नाम पे दिया गया था इन्फरीअर गुड विच अ कंज्यूमर डिमांड मोर व्हेन इनकम डिक्रीजेस ये वो ये मतलब इनफीरियर गुड्स होते हैं इनकी डिमांड इंक्रीज होती डिक्रीज होती है जब इनकम इंक्रीज होती है ठीक है और जब इनकम Uh, जब इनकम uh, इंक्रीज होती है तो uh, इसकी डिमांड डिक्रीज होती है जब इनकम डिक्रीज होती है इसकी डिमांड इंक्रीज होती है वैन द फॉल ऑफ प्राइस ऑफ सच क्वानिटी फॉल्स रियल इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीज बट लेस क्वान्टिटी ऑफ इट्स परचेज द लॉ ऑफ डिमांड डज नॉट ऑपरेशन इन दिस केस ऑल्सो इन केस ऑफ दिस गुड देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड डिमांड बट देर इज़ अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड बट प्राइस एंड डिमांड के बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है ठीक है नेसेसिटी ऑफ लाइफ दिस लॉ डज़ नाट अप्लाई इन केस इन केस ऑफ बेस नेसेसिटी ऑफ लाइफ सच मेडिसिन कुकिंग गैस इन ये भी फॉलो नहीं करते नेसेसिटी जो हमारी ज़रूरतें यह ये, ये भी हम मतलब डिमांड को लॉ ऑफ डिमांड को

डिमांड की चेंज कब होती है जब प्राइस चेंज हो तभी डिमांड भी चेंज होगी अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी अगर प्राइस घटेगा तो डिमांड ज़्यादा होगी अंडर कंसिडरेशन और चेंज और अदर फैक्टर ऑफ इफेक्टिंग डिमांड दस चेंज डिमांड कैन बी डिस्क्राइब इन टू वेज एज शोन बिलो हम डिमांड uh, चेंज कैसे कैसे होती है ये दो तरीके से होती है हम अभी इसको देखते हैं किस किस तरीके से होती है एक होती है वेरिएशन इन क्वांटिटी डिमांडेड और ठीक है जब वेरिएशन हो क्वांटिटी डिमांडेड में या चेंज इन लेवल ऑफ डिमांड हो तो ये ये मूव होती ये मूवमेंट होती है डिमांड कर के अलोंग और यहाँ पे होती है मूवमेंट शिफ्ट इन यहाँ पे डिमांड कर ही शिफ्ट कर जाती है और यहाँ पे डिमांड कर्व के अलोंग मूवमेंट होती है ठीक है यग किसकी वजह से होता है योग होता है चेंज इन प्राइस की वजह से ये चेंज इन अदर फैक्टर की वजह से होता है जैसे वो हो गया जो हमने डिटर्मिनेट्स पढ़े चेंज इन इनकम हो गया प्राइस ऑफ अकोमोडिटी हो गया पॉपुलेशन हो गया फ्यूचर एक्सपेक्टेशन हो गया ठीक है यहाँ पे होता है एक्सटेंशन इन डिमांड और कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड यहाँ पे होता है इंक्रीज इन डिमांड और डिक्रीज इन डिमांड ठीक है सबसे पहले पढ़ते हैं वेरिएशन इन डिमांड और मूवमेंट अलोंग अ डिमांड का वेरिएशन इन डिमांड इज कंसर्न विद द लॉ ऑफ डिमांड विच मीन एक्सटेंशन और कॉन्ट्रेक्शन इन डिमांड इसमें एक्सटेंशन और कॉन्ट्रेक्शन होती है अदर थिंग इसमें कॉन्स्टेंट रहते हैं वैन डिमांड चेंजिज ओनली ड्यू टू चेंज इन प्राइस द दिस इज कॉल्ड चेंज इन क्वान्टिटी डिमांडेड ये सिर्फ होती है प्राइस चेंज होने की वजह से और इसको हम बोलते हैं क्वानिटी चेंज इन क्वानिटी डिमांडेड और वेरिएशन इन डिमांड और एक्सटेंशन और कॉन्ट्रेक्शन इन डिमांड इट इज शोन बाई द मूवमेंट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनादर पॉइंट अलॉन्ग दिस सेम डिमांड कर्व यस डिमांड कर्व के ही इसकी मूवमेंट होती है वो हम आगे देखेंगे और चेंज इन लेवल ऑफ डिमांड और शिफ्ट इन डिमांड कर्व इसमें क्या होता है इसमें होता है इसमें होता है इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड ठीक है व्हेन डिमांड ऑफ कमोडिटी चेंजेस द बाय अदर फैक्टर अदर फैक्टर के थ्रू अगर चेंज होगा तो उसको बोलते हैं चेंज इन लेवल ऑफ डिमांड इज शोन बाय अपवर्ड एंड डाउनवर्ड शिफ्ट ठीक है द डिमांड कर वैन डिमांड कर शिफ्ट अपवर्ड एंड डाउनवर्ड इज नॉन एज इंक्रीज इन और डिक्रीज इन डिमांड इसको इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड बोलते हैं उसमें एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन डिमांड बोलते थे ठीक है एक्सपेंशन सबसे पहले देखते हैं हम एक्सपेंशन इन डिमांड कहता है इंक्रीज इन क्वान्टिटी डिमांडिड और डाउनवर्ड मूमेंट अलॉन्ग दी कर ठीक है इट इज़ बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ डिमांड वी स्टेट क्वानिटी डिमांडिडिटी रू टू फॉल इन प्राइजेज ऑफ कम्योडिटी अगर हमारे प्राइज फॉल करेंगे तो हमारी डिमांड बढ़ेगी ये यही कहता था राइज इन क्वानिटी डिमांड ड्यू टू फॉल इन प्राइज ऑफ कम्योडिटी एक्सपेंशन इन डिमांड तब उसको बोलेंगे एक्सपेंशन इन डिमांड फॉर एग्जाम्पल अगर सिक्स रुप, रुपीज़ प्राइज है तो डिमांड ट्वेंटी है अगर टू है तो सिक्सटी है डिमांड तो बढ़ गई प्राइस डिक्रीज हुआ डिमांड बढ़ी जब प्राइस इंक्रीज़ हुआ तो डिमांड डिक्रीज हुई यही हमने कर दि, दिखानी है यहाँ पे अगर यहाँ पे फर यही देखो अगर प्राइस हमारा यहाँ पे था अब हमारा प्राइस डिक्रीज़ हो गया तो ये हमारी क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ गई ये हमारी क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ गई ठीक है तो अब पहले पॉइंट यहाँ पर था अभी पॉइंट यहाँ पर हुआ अब क्या हुआ यहाँ पर प्राइस डिक्रीज हुआ तो डाउनवर्ड मूवमेंट हुई ठीक है डाउनवर्ड मूवमेंट हुई मतलब एक्सपेंशन हुई यहाँ पे एक्सपेंशन इन डिमांड हुई तो वो यहाँ पे यही लिखा हुआ है इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड और डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग दी डिमांड कर यह होती है एक्सपेंशन इन डिमांड उसी तरह हम देखें कॉन्ट्रैक्शन डिमांड क्या होती है डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड और अपवर्ड मूवमेंट अलोंग दी डिमांड कर इसमें अपवर्ड मूवमेंट होती है वो हम देखते हैं देखो अब जैसे प्राइस Uh, uh, कम थे पहले टू था सिक्सटी थे अब प्राइस बढ़ा तो डिमांड डिक्रीज़ हो गई अब देख लो ये प्राइस पहले यहाँ पे था अब प्राइस बढ़ा ठीक है प्राइस बढ़ गया ये यहाँ हो गया पहले पॉइंट यहाँ पे था अब यहाँ पे है अब कर्व कैसे जा रही है ऐसे जा रही है अब कर्व यहाँ प्राइस अब अवर्ड मूवमेंट हो गई अब यहाँ पे क्या होगा कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड ये एक्सपेंशन थी अब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होगी ये कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड हो गई अगर प्राइस बढ़े तो कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड अगर प्राइस कटे तो एक्सपेंशन इन क्वांटिटी डिमांडेड ठीक है अब ये लिखा हुआ है ठीक है ये यह, इसमें ये लिखा हुआ है अब आगे देखते हैं हम शिफ्ट इन डिमांड अब शिफ्ट कब होता है ठीक है शिफ्ट किस केस में होता है जब हमारे डिटर्मिनेट्स ऑफ डिमांड जो हाँ वो चेंज करें तब होते हैं शिफ्ट ठीक है इंक्रीज़ इन डिमांड कब होता है एंड इंक्रीज इन डिमांड मीन कंज्यूमर नॉट डिमांडेड मोर गिवन प्राइस ऑफ क्वांटिटी अब वो गिवन प्राइस ऑफ क्वांटिटी पे डिमांड मतलब मोर कर रहा है ठीक है इसकी कंडीशन क्या अगर price, uh, है अगर सब्सिडी गुड का प्राइस राइज किया प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स फॉल हुए ठीक है तो इनकम ऑफ अ कंज्यूमर राइज इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स इनकम ऑफ कंज्यूमर फॉल इन केस ऑफ इन्फीरियर गुड्स ठीक है हमने पढ़ा था अब ये सब कुछ पढ़ा था अगर देखो फिर यहाँ पे अब मैं आपको समझाता हूँ सबसे जुट गुड क्या हो गया सब पेप्सी और कोक ठीक है पहले आप पेप्सी पीते थे इसका सबसे गुड गुड है कोक अगर सबसे जुट गुड का प्राइस बढ़ेगा तो इसकी भी डिमांड बढ़ेगी ठीक है वही लिखा हुआ है प्राइस ऑफ सबसे गुड राइजेस तो डिमांड इसकी बढ़गी अब जैसे कम्प्लीमेंट्री गुड कौन हो गए जैसे हो गया कार और पेट्रोल पेट्रोल ठीक है तो अगर देखो इसके प्राइस बढ़े तो डिमांड कम होगी अगर डिमांड इसकी डिमांड अगर इसके प्राइस घटे तो डिमांड इनकी बढ़ेगी ठीक है वही लिखा हुआ है प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स फॉल ठीक है तो इनकम ऑफ कंज्यूमर राइजेज इन केस ऑफ नॉर्मल गुड नॉर्मल गुड क्या होते हैं इसमें जब इनकम हमारी कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है तो नॉर्मल गुड की डिमांड भी बढ़ती है ठीक है तो अगर तो इंफीरियर गुड की क्या होती है जब इनकम बढ़ती है इंफीरियर गुड की डिमांड घटती है ठीक है वही लिखा हुआ है यहाँ पे इनकम ऑफ कंज्यूमर फॉल इन केस ऑफ इंफीरियर गुड अब ये देखो इसमें प्राइस कांस्टेंट रहा डिमांड बढ़ी ठीक है ये देखो अब ये प्राइस यहाँ पे ही रहा पहले ही ये डिमांड थी अब डिमांड बढ़ के यहाँ पे चलेगी ठीक है ये इनकी वजह से इन फैक्टर की वजह से होगा तो इसमें कहाँ मूव हो रही है इंक्रीज़ इन डिमांड में ये राइट वर्ड शिफ्ट हो रही है और डिक्रीज इन डिमांड में ये लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होगी और इसके कंडीशन क्या है इसमें सब्सिट्यूट गुड के प्राइस फॉल हुए कॉम्प्लीमेंट गुड के प्राइस राइज़ हुए इनकम ऑफ इसमें फॉल हुई तो उस इनफीरियर गुड के केस में इंक्रीज़ राइज़ हुई तो प्रेफरेंसेस बिकम अनफेवरेबल हुए तो उसमें फेवरेबल हुए ठीक है अब इस ये हो गया हमारा आज का टॉपिक डिमांड एनालिसिस और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें शेयर करें कमेंट करें लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें साथ शेयर करें ताकि वो भी अच्छे कंटेंट का मज़ा ले सकें और अपना जे के एग्ज़ाम इज़िली क्रैक कर सकें और आई होप के आप इसको शेयर करेंगे और इसी के साथ आज का हमारा ये टॉपिक ख़त्म होता है डिमांड एनालिसिस अब मिलते हैं हम किसी अगेन नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड गुड बाय थैंक यू